श्री कृष्ण जन्माष्टमी धूमधाम से मनाई गई। शाम होते ही मंदिरों में छोटी छोटी गया, छोटे छोटे ग्वाल, छोटो सो मेरो, मदन गोपाल, माखन का कटोरा, मिश्री का थाल आदि गीतों से माहौल भक्तिमय हो गया। रात 12 बजे तक धूमधाम से श्री कृष्ण जन्माष्टमी का पर्व मनाया गया। मंदिरों चौराहों पर राधा कृष्ण राम दरबार लड्डू गोपाल आदि की सुंदर झांकियां प्रस्तुत की गई। देर रात तक मंदिरों में पूजा पाठ चलता रहा और पूरा शहर भक्तिमय रहा। इस दौरान लोगों के घरों में भी कीर्तन चलता रहा और प्रसाद वितरण होता रहा। व्रती लोगों ने शुभ मुहूर्त में दोपहर 3:37 पर अष्टमी शुरू होने पर पूजन शुरू किया। वहीं खाटू श्याम मंदिर से भगवान श्री कृष्ण से संबंधित मनोहारी झांकी निकली। सिद्धेश्वर महादेव मंदिर, श्री राम मंदिर, श्री सत्य नारायण मंदिर, मुखानी प्राचीन शिव मंदिर, बेल बाबा आदि मंदिरों में भव्य आयोजन किया गया। जबकि मध्य रात्रि में कृष्ण जन्म पर घरों और मंदिरों में विशेष पूजन शुरू हुआ। लड्डू गोपाल को माखन, मिश्री और खीर का भोग चढ़ाने के साथ मंगल गीत गाए गए। और मैं यहाँ पे राधा बन के आई हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगा। हेलो, आपका नाम? मेरी बेटी है ऋत्वी जोशी। आज हम इसको राधा कृष्ण जन्मोत्सव के महोत्सव में राधा बना के लाए हैं। मैं दिल्ली से आई हूँ, यहाँ के आके मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। राधे राधे बोल दो जोर से। जैसा उत्सव हर साल ही होता उत्सव माना जाता है जन्माष्टमी का, लेकिन आज कुछ विशेष लग रहा है मुझे तो, क्योंकि जिस हिसाब से यहाँ पर भगवान की झांकी निकाली गई है बहुत ही काबिल तारीफ है। पंडित जी का भी बड़ा धन्यवाद करेंगे हम कि इन्होंने ऐसा भव्य आयोजन रखा। और बाबा तो बाकी तो कर रही है तो कन्हैया है, यही है। स्पेशली अपने कान्हा जी के लिए सजी हुई हूँ और मैंने सबसे पहले इनको ही देखा था तैयार होके। बहुत अच्छा लग रहा है और बहुत अच्छा भी लग रहा है। लोगों के बीच में इतना उत्साह है कि वो लोग मतलब उत्सव मनाने के लिए इतना ज़्यादा उत्सुक है और खुशी से मनाते हैं। त्रिमूर्ति देवी मंदिर में जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि आज श्री कृष्ण जन्माष्टमी है और अर्धरात्रि में भगवान कृष्ण का जन्म हुआ था, तो वैसे ही हर मंदिरों में धूमधाम है और त्रिमूर्ति देवी मंदिर में भी आज बड़ी धूमधाम से श्री कृष्ण जन्माष्टमी का पर्व मनाया जा रहा है। और अभी रात्रि के 9 बजे के आसपास छोटे छोटे बच्चे राधा कृष्ण बन के आए, उनका पूजन हुआ और उसके बाद रात्रि 12 बजे अर्धरात्रि में भगवान तब तक 9 से 12 बजे तक भजन कीर्तन होते रहेंगे और 12 बजे आरती महाआरती और उसके बाद प्रसाद वितरण सबको होगा। जन्माष्टमी हमारे हिंदुओं का सबसे बड़ा पर्व है जिसमें हम बच्चों को लेकर के कृष्ण जी के रूप में उनको मनाते हैं। यहाँ पर सबको तीन मूर्ति मंदिर पे हम यहाँ पर सारे बच्चों को अपने क्षेत्र के अभिभावकों को लेकर के यहाँ पर बुला करके उनको कृष्ण के रूप में राधा के रूप में यहाँ पर पेश किया जाता है, जिनकी हम आरती उतारते हैं और उसमें हम ये भाव मान के चलते हैं यही हमारे राधे कृष्ण हैं, उसी बेस पे हम उनकी पूजा करते हैं। हमारा तीन मूर्ति मंदिर परिसर है। तीन मूर्ति मंदिर परिसर में हम लगातार गत वर्षों से कई वर्षों से यहाँ पर हम छोटे मोटे जो बच्चे हैं नन्हे बच्चे उनको राधा कृष्ण बनाते बुलाते हैं, क्योंकि इन बच्चों में स्वयं भगवान का रूप होता है। जो 8 साल 9 साल के 6 साल के बच्चे होते हैं इनमें स्वयं भगवान का रूप होता है और इन बच्चों को हम यहाँ पर माखन मिश्री बिस्कुट आदि खिलाते हैं और उनकी उनको रोली लगा करके उनको गंधार्षत करते हैं, उनकी हम यहाँ पर पूजा करते हैं। फिर ज़्यादा समय तक हम इनको नहीं रोक पाते क्योंकि छोटे बच्चे होते हैं वो सो जाते हैं, तो इनको हमने कह रखा है कि 8 बजे सारे बच्चे यहाँ पर आ जाएं और 9 बजे तक हम इनको मिष्ठान वितरण करके इनको खिला पिला करके इनको गंधार्षत करके इनको इनाम दे करके फिर हम इनको 9 बजे घर को भिजा करते हैं। ये हमारा हमेशा का एक नियम है और इस बार कुछ बच्चों में विशेष उत्साह है। मैंने ये देखा कि आज ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में यहाँ पर बच्चे यहाँ पर उपस्थित हो रहे हैं, उनके पेरेंट्स भी साथ में आए हैं।